ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लता दीदी की यादों पर फिल्म जगत के जानकार प्रदीप सरदाना और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। संगीत की दुनिया में 7 दशक से भी अधिक का सुनहरा सफर, कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने, करोड़ों चाहने वाले, कई पुरस्कार, लाखों दिलों की धड़कन, स्वर कोकिला, लता मंगेशकर नहीं रही। आज उनका देहावसन हो गया। वो अपने पीछे संगीत की ऐसी समृद्ध विरासत छोड़ गईं जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। प्रदीप जी छोटी उम्र में परिवार की जिम्मेदारी, नाटक का शौक, फिर संगीत की दुनिया में पहचान बनाने का संघर्ष, कैसे देखते हैं उनकी इस यात्रा को आप? मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि लता जी से कई बार मिलने का मौका मिला, उनको कई बार इंटरव्यू किया। उनका बचपन तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी थी वो, लेकिन अपनी बातें बताती थी पुरानी। जब ये 5 साल की थी, इनके साथ एक बड़ा एक हादसा हुआ कि इनको चेचक हो गई, तो उसमें क्या हुआ कि इनका बिल्कुल नाक, आंख, गला, सब होठ, सब पूरी तरह फेस इतना प्रभावित हो गया कि उस समय चेचक का कोई ऐसा इलाज भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बचना बड़ा मुश्किल है, बच भी गई तो इनकी या तो आंखें चली जाएंगी, या इनकी नाक चली जाएगी, कान चले जाएंगे, गला चाहे कुछ चला जाएगा। बड़े परेशान की पिताजी इतना प्यार से करते थे, देखते थे इनको, क्योंकि पिता ने पहली बार देखा था दीनानाथ जी ने कि जब 6-7 महीने की घुटने चलती थी, तब उन्होंने देखा कि वो मिट्टी खाने के लिए, जैसे लता ने, पहले हेमा नाम था, बाद में लता पड़ा, तो जैसे हेमा ने जो है मिट्टी उठाने लगी तो उनके सारंगी बजा रहे थे उनके पिताजी, तो उन्होंने सारंगी से इशारा किया कि बस करो, तो वो रुक गई। तो उन्होंने जैसे ही वो सारंगी बजाई, उसकी जो धुन निकली वो उन्होंने 6-7 महीने की तभी अपने मुंह से वैसी गा दी, तो सब चौंक गए कि ये क्या है। तो इसलिए ये पिता का आकर्षण थी, उनको बड़ी उम्मीद थी। 3 महीने बाद चमत्कार हुआ कि ना आग गई, ना नाक गया, ना गला गया, कुछ भी नहीं गया, और उसके बाद देखिए वो इस तरह अच्छी गायिका बन गई। लेकिन इनका जो चंचलपन था, नखटपन था, वो तब खत्म हो गया जब 12-13 साल की हुई और उनके पिताजी का निधन हो गया। जब उसको लगा मेरे सबसे बड़ी थी, 3 बहनें और 1 भाई हैं, उनको देखना है, तो एकदम बदल गई कि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैंने काम करना है। तो उस जिम्मेदारी ने इनके अंदर इतना आत्मविश्वास लाया, और इनको मदद भी की, जो नंदा फिल्म अभिनेत्री थी, उनके पिताजी थे मास्टर विनायक, उन्होंने काफी मदद की। उनको गाने का शौक था, तो गाने का एक आध जगह गाना रिकॉर्ड हुआ, बोले नहीं तुम्हारी बड़ी पतली आवाज है, नहीं चलेगी, तो रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने 6-7 फिल्मों में काम किया, तो उसके बाद इनको उन्होंने कहा नहीं मेरा तो संगीत में बड़ा शौक है, फिर इनको जो है मौके मिले। काम के प्रति पैशन ऐसा कि होली दिवाली भी याद नहीं रहती थी उन्हें। आपको क्या लगता है कि मेहनत के साथ जुनून ही उनकी सफलता का मूल मंत्र रहा? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके अंदर जो बचपन में देखिए, एक तो जो होता है ना गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, वो तो पता लग गया कि घुटने चलता बच्चा अगर ऐसे गा दे, और बाद में वो उनका प्रेशर ऐसे बना कि आप देखिए तभी संभव है कि आप 90 साल की उम्र में, अभी उन्होंने गाना गाया 90 साल की उम्र में गाना गाना, या हम देखें जो 2004 का दौर देखें उनका, 1948 से शुरू हुआ माने उनका, 49 में बरसात वगैरह आई, महल आई और फिल्में आई, तो 2004 तक कितनी पिक्चर है उसमें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उससे पहले हम आपके कौन 90s में आई, माचिस आई, और इतनी पिक्चरें लगातार, दिल तो पागल है आई, वीर जारा आई। आप कभी भी दिल तो पागल है के गीत सुनेंगे तो कभी भी लगता है कि कोई 70-80 साल की महिला गा रही है, 75 साल की, ऐसे लगता है कि 16 साल की, 20 साल की, 21 साल की कोई युवती जो है इसको गाना गा रही है। एक दौर ऐसा भी रहा प्रदीप जी कि लता मंगेशकर सुपरहिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थी। आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे कोई सिंगर इस मकाम तक पहुंच गया? सबसे बड़ा फिल्मों में एक फॉर्मूला है, जो हिट है वो उसके पीछे सब भागते हैं, और जो फ्लॉप हो जाता है उसको कोई नहीं पूछता। बरसात के गाने से 10 के 10 गाने राज कपूर ने इनसे गवाए, शंकर जैकी शंकर संगीत में, उससे पहले महल के अंदर इन्होंने गाना गाया आएगा आने वाला, ये जो है उस 49 के अंदर आए। जब ये गाने इतने हिट हो गए तो उसके बाद तो इनके पास ये स्थिति हो गई थी कि हर साल ये 150 गाने, 160-170 गाने गाने लगी थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। तो ये क्या होता है कि आपका जब लोगों के साथ ट्यूनिंग बढ़ जाती है तो सब उसी को लेते हैं, संगीतकार भी उसी को प्रेफर करते हैं। इनकी तबीयत खराब हो जाती थी, इनके नाक में दिक्कत रहती थी, कई बार रिकॉर्डिंग तब कैंसिल हो जाती थी, या ये विदेश जाती थी 2-3 महीने आराम करती थी, या घूमने जाती थी, या और जो म्यूजिकल ट्रिप उस पर जाती थी, तो लोग वेट करते थे इनका कि लता जी आएंगे उनसे गवाएंगे। Bye.
प्रदीप जी, बतौर समीक्षक एक बहुत ही क्लियरिटी आपसे चाहेंगे कि लता जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए, क्या ये सच है? मैंने तो इनके पूरे जो गीत कोश निकाल कर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया, शोध किया कि इन्होंने कितने गाने गाए, उन सबसे मैंने पूरा निचोड़ निकाला कि इनके जितने गाने हैं वो टोटल 5,328 गीत हिंदी फिल्मों में हैं और 22 भाषाओं में इन्होंने गाने गाए। तो सबसे ज्यादा गाने जो इन्होंने और गाए वो मराठी फिल्म में गाए 405 गीत, बांग्ला फिल्म में गाए 206 गीत, गुजराती फिल्म में गाए 48 गीत, पंजाबी फिल्मों में गाए 69 गीत, भोजपुरी में गाए 25 गीत और संस्कृत में गाए 24 गीत और बाकी एक एक दो दो गाने, तीन तीन गाने तमिल में, तेलुगु में, असमिया में, तो ये सब अलग अलग और भाषाओं में इन्होंने गाए। तो ये सारा मिलाकर टोटल बनता है 6,557 और इसके अंदर वो गाने भी मैंने जोड़े हुए हैं जो अप्रदर्शित हिंदी फिल्मों में, जो फिल्मों में रिकॉर्ड हुए, फिल्में नहीं आई, उसके बाद भी हम मान लें इतना लंबा कैरियर रहा, कोई रिकॉर्डिंग मिली नहीं होगी, कोई खो गई होगी, तो 500 गीतों की होगी, 400 गीतों की होगी, तो उसको मिला ले तो 7,000 से गाने ऊपर नहीं बैठते। प्रदीप जी, एक और किस्सा लता जी के साथ जुड़ा है, केएल सहगल का, क्या रहा वो पूरा किस्सा? केएल सहगल का बड़ा दिलचस्प किस्सा है लता जी के साथ। लता जी 5-6 साल की थी तो उन्होंने एक फिल्म देखी थी चंडीदास, केएल सहगल की, वो हीरो भी थे और सिंगर भी थे, तो उनको इतनी पसंद आया केएल सहगल की आवाज भी और केएल सहगल का चेहरा मेरा भी, तो उन्होंने घर आके अपने पिताजी को कहा कि मैं शादी करूंगी तो केएल सहगल से करूंगी। तो सब हंसने लगे, जैसे बच्चा बोलता है। जब गाने शुरू किए तो ये ट्रांजिस्टर लेकर आई कि मैं केएल सहगल के गाने सुनूंगी और मेरे गाने भी आएंगे, वो भी सुनूंगी। तो चांस की बात है, जब वो लेकर आई, जैसे ही उन्होंने उसको ऑन किया तो उसमें समाचार आया कि केएल सहगल का निधन हो गया है, तो सुनकर एकदम ये टूट गए एक तरह। तो अब केएल सहगल तो चले गए, तो इन्होंने फिर क्या किया, उनके पुत्र हैं मदन सहगल, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे आप कोई इनकी ऐसी निशानी दो जिसको मैं रख सकूं एक अपने पूजा स्वरूप, प्रसाद स्वरूप, क्योंकि केएल सहगल की निशानी है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि ये लीजिए, ये मेरे पिताजी की अंगूठी है, ये आप रखिए। तो वो उस अंगूठी को पहनकर गाने गाती थी और कहती थी मुझे कि अंगूठी से इतनी शक्ति मिलती है, अगर वो मेरे सामने होते तो मुझे कितनी शक्ति मिलती। बड़े गुलाम अली खान साहब, उन्होंने लता जी के तारीफ में बहुत कुछ कहा था, जब करोड़ों लोग आपके प्रशंसक हो जाते हैं तो खुद को विनम्र बनाए रखना कितना मुश्किल होता है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात थी कि लता जी बहुत विनम्र थी। सफेद साड़ी पहनना, सादगी रहना, मीठा बोलना, जब भी बात हम करते थे ऐसा लगता था किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। अपने गुरुओं का सम्मान करती, आपको पता है केएल सहगल जिनको देखा नहीं वो गुरु बड़े गुलाम अली खान का करते, नूरजहां के साथ, नूरजहां पाकिस्तान चली गई, उसके बाद जब वो अमृतसर गई थी एक बार तब भी उन्होंने फोन से बात की वहां बहुत देर, और जब वो भारत आई 20-30 साल बाद तो इतना साथ में रहे, तो इनकी विनम्रता वो थी। बहुत नए कलाकारों को प्रोत्साहित करती थी, नए संगीतकारों को प्रोत्साहित करती थी, तो इस तरह का अलग तरह का जज्बा था। बहुत छोटे छोटे दो सवाल, मधुबाला और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, नौशाद और लता मंगेशकर, कई ऐसी जोड़ियां रही जो पर्दे पर तो कभी नहीं दिखी लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया, क्या कहें? मधुबाला की जिस हम बात करें, आएगा आने वाला, जब मधुबाला पिक्चराइज हुआ तो आप देखिए लोग मधुबाला को भी देखते थे, उसकी खूबसूरती जो है उसके साथ नहीं आई थी, और लता मंगेशकर के गाने को सुनते थे। इस तरह पाकिजा में नौशाद साहब का इतनी फिल्मों में काम किया, उन्होंने मुगले आजम प्यार किया तो डंडा किया, पाकिजा सब किया, तो इनकी ऐसी जोड़ी, ऐसी ट्यूनिंग थी, अलग तरह का इनका माहौल था, अलग तरह का सिटिंग होती थी एक गाने को लेकर, राज कपूर साथ बैठ जाते थे, तो ये जोड़ियां ऐसी हैं जो मतलब हम उनके साथ मधुबाला पे कोई और आवाज आती है हम उसको नहीं सोच सकते जो इनके साथ फिट करती है। नरगिस को सुनते हैं जब हम, चाहे 420 में सुने, चाहे प्यार हुआ इकरार हुआ कोई गाना सुने, आवारा में सुने, तो सब जगह हमको लता ही उनके साथ फिट बैठती हैं। शुरू से आप देख लीजिए, पुरानी एक से एक पुरानी हीरोइन देखें हम, उसके बाद नई नई काजोल, करिश्मा, माधुरी दीक्षित, सब हीरोइनों के साथ इन्होंने उनके लिए गाने गाए, तो एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो लता मंगेशकर अपने आप में एक संस्थान हैं, रहेंगी, लोगों को सिखाते रहेंगी अपनी आवाज से, लेकिन बतौर फिल्म समीक्षक कुछ ऐसे अनूठे काम उनके जो आपको बहुत पसंद हैं और आपको लगता है कि वो सिर्फ लता जी ही कर सकती थी। सबसे बड़ा तो यह है कि वो जो लोगों को प्रोत्साहित करती थी वो दिखाती नहीं थी, और संगीत की जो इतनी बड़ी समृद्ध विरासत छोड़ी है ये ऐसी है कि हमको कहने की बात नहीं, सदियां, सचमुच सदियों तक जो है लता मंगेशकर को नहीं बुलाया जा सकेगा। प्रदीप जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सरदाना और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव के साथ लता दीदी की यादों पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।